प्रोफेसर रविकांत, जो पंजाब के दलितों के बारे में जो सवाल अभी विजय त्रिवेदी जी ने कहा वो महत्वपूर्ण सवाल है कि कांशीराम उत्तर प्रदेश में कामयाब हुए लेकिन पंजाब में कामयाब नहीं हुए, तो क्या ये इस बात का प्रमाण है कि जो पंजाब में दलित कंसोलिडेशन है वो उस तरीके का नहीं है, या उस तरीके का की मिलिटेंसी नहीं है, या उस तरीके का सेंस ऑफ एम्पावरमेंट नहीं है जो उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों ने महसूस किया, या चेतना का वो स्तर शायद जो लोग कहते हैं उस स्तर नहीं है, या एक बड़ा कारण यह है कि पंजाब का जो दलित है वो मोनोलिथ नहीं है, वहां एक तरफ रामदसिया समुदाय के बड़े पावरफुल लोग हैं, दूसरी तरफ मजहबी सिख है, वाल्मीकि हैं, दूसरे और भी हैं, उसमें हिंदुओं में भी दलित हैं और सिखों में भी दलित हैं, तो एक मोनोलिथ नहीं है। क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए कि कहना हमने दलित बना दिया तो सारा दलित वोट हमको मिल जाएगा, ये कहीं एक मिथ तो नहीं है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पंजाब में कंसोलिडेशन नहीं है दलितों का। जो 32% जो जनसंख्या है दलितों की, उसमें आपने बता दिया, उसमें एक बाजीगर जाति भी है, लेकिन मोस्टली जो रामदसिया है और जो जो धार्मिक है वो, और वाल्मीकि समाज है, ये 2-3 बड़े समाज हैं, और जो चन्नी साहब हैं वो वही चबाक जाति से आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पंजाब में जो किया गया है, अगर हम उस शब्दावली के भीतर देखें तो पंजाब के लिए तो ये डैमेज कंट्रोल है, और पंजाब के बाहर जो चुनाव है खास करके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उसके लिए मास्टर स्ट्रोक है। उसकी वजह ये है कि 32-33% जो एससी है वो पंजाब में है, इसके अलावा 5 राज्यों के चुनाव है अगले साल, उसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश खास करके जो निशाने पर है, उत्तराखंड में 18-20% दलित समुदाय, 18 तो पक्का ही है, 18-20। उत्तर प्रदेश में हम लोग जानते हैं 21.5% जो दलित है वो है, लेकिन इनमें से जिस जाति से चन्नी साहब आते हैं उसमें से आधी पॉपुलेशन है, माने उत्तराखंड में भी जो पूरा दलित समुदाय है उसमें आधा जो है वो चमार जाति से आता है, उत्तर प्रदेश में भी 50-55% दलितों में चमार जाति आती है। और हरीश रावत पंजाब के प्रभारी हैं तो उनको भी कहने को हो जाएगा कि भाई हमने एक दलित को वहां सीएम बनाया, लेकिन पंजाब की जो चुनौती की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि वहां उस तरह का कंसोलिडेशन नहीं है, बल्कि जो दलित समुदाय है वहां वो ऑलरेडी कांग्रेस के पास है और अकालियों के पास। माना यह जाता है कि जहां पंचायत में जिसकी भागीदारी है वहां पर वो वोट जाएगा, माने अगर अकाली पंजाब पंचायतों में हावी है तो एससी वोट अकालियों के पास जाएगा, और जहां कांग्रेस हावी है वहां कांग्रेस के साथ जाएगा। लेकिन कांशीराम जी का मूवमेंट पंजाब में नहीं उस तरह से चल पाया, या वो मोनोलिथ नहीं हो सका, या अंबेडकराइट मूवमेंट नहीं हुआ, उसके बाद जो स्थितियां हैं आप देखिए, जो दलित समुदाय है पंजाब का वो डेरों से जुड़ा हुआ है, वो अंबेडकराइट उस तरह से नहीं है जैसे राम रहीम को, बल्कि अभी ये चर्चा चल रही थी पिछले दिनों कि राम रहीम को छोड़ने की बात हो रही है, बीजेपी की भी नजर थी, वो तो किसान आंदोलन हो गया, वरना पंजाब में सबसे बड़ी जो नजर थी बीजेपी की वो इसी दलित समुदाय पर थी, और डेरों में जो उनकी एक तरह से आस्था है वहां से वो भुनाना चाहते, तो अब इन डेरों की क्या भूमिका होगी इसको भी देखा जाना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड में खास करके 3 जिले जिसमें देहरादून है, हरिद्वार है और ऊधम सिंह नगर है, इनमें सबसे बड़ी तादाद है दलितों की, और बाकी जो 10 और जिले हैं उसमें उतनी ही पॉपुलेशन है जितनी इनमें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में तो हम लोग जानते हैं 21.5% है। मायावती की राजनीति जब से कमजोर हुई है, या एक तरह से उन्होंने अंबेडकराइट मूवमेंट को सिर के बल खड़ा कर दिया है, जहां वो जय भीम से निकल करके वो पूरा आंदोलन जय श्री राम पर पहुंच गया है, जब वो हाथ में अपना त्रिशूल लेती है, तो ये जो वैक्यूम बन रहा है दलित राजनीति का, उसको भरने की कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसका फायदा निश्चित तौर पर उसे मिल सकता है अगर वो और काम करे, तो मुझे लगता है वो मिल सकता है। तो इस तरह से, और मैं समझता हूं कि पिछले दिनों, पिछले अगर साल भर को, 1.5 साल को देख लें, तो दलित राजनीति पर बिल्कुल बात ही नहीं हो रही। 2 तरह के नैरेटिव चल रहे थे, एक तो हिंदुत्व का चल रहा था और दूसरी तरफ मंडल 2 की बात हो रही थी, माने ओबीसी पॉलिटिक्स की बात हो रही थी। दलित अस्मिता और दलित राजनीति बिल्कुल गायब हो गई थी सिरे से। उत्तर प्रदेश में केवल हमने देखा कि लोक दल के जो प्रशांत कनौजिया, जिनको बनाया गया है, उन्होंने एक दलित स्वाभिमान यात्रा निकाली। अभी मुझे जानकारी मिली है कि समाजवादी पार्टी एक इस तरह की यात्रा निकालने वाली है, लेकिन
दलितों की राजनीति और दलितों की भूमिका बिल्कुल हाशिए पर जाने लगी थी। उस समय कांग्रेस का ये कदम पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाना, मुझे लगता है कि दलित राजनीति को थोड़ा सा केंद्र में ले आएगा, इस डिस्कोर्स को केंद्र में ले आएगा फिर से, और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। प्रोफेसर रविकांत, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सवाल इस बात को लेकर यह कि राम चरणजीत सिंह चन्नी का जो जो जाति है रामदसिया समुदाय से, और यही वो समुदाय है जिस पर बीएसपी की पकड़ पंजाब में मानी जाती है। ये कहा जाता है कि दरअसल उस पर उनकी पकड़ ठीक ठाक तरीके से है। तो जो अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन था, जो एक पोटेंट फोर्स के तौर पर कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो सकता था, क्या अब उसमें डेंट लग पाएगा? क्योंकि अब उस जो बीएसपी का वोट शेयर था, वो जाहिर सी बात है वो चरणजीत चन्नी की तरफ देखें, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुख्यमंत्री वो है आज की तारीख। बीएसपी को अकालियों ने 20 सीटें दी हैं जो भी गठबंधन हुआ है, और बीएसपी का पंजाब में अगर हम इतिहास देखें तो 1992 में 9 सीटों पर बीएसपी को जीत हासिल हुई थी, और 1996 में जब अकालियों के साथ बीएसपी ने गठबंधन किया था उस समय एक बड़ी सफलता मिली थी अकालियों को, जिसमें 13 में से 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो एक बार एक इतिहास भी है कि जहां ये प्रयोग हुआ था जब अकालियों ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था और बड़ी सफलता मिली थी। लेकिन इस समय जो गठबंधन हुआ है इसका बहुत प्रभाव नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन उस तरह का नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि रामदसिया उससे संप्रदाय से आते हैं, कांशीराम भी उसी संप्रदाय से थे, तो एक भावनात्मक रिश्ता हो सकता है, जुड़ाव हो सकता है, बीजेपी को उसका फायदा, सॉरी बीएसपी को उसका फायदा मिल सकता था। लेकिन अब चन्नी साहब को कांग्रेस ले आई है, वहीं से ले आई है, उसी स्थान से जहाँ के कांशीराम से साहब थे और उसी समाज से लेकर के आई है, तो मुझे लगता है कि जो गठबंधन है उसको जो भी 1-2% से ज्यादा का फायदा नहीं होने वाला था, अब उस गठबंधन को वो भी फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर अकाली गठबंधन को, बीएसपी गठबंधन को इससे घाटा होगा और कांग्रेस को थोड़ा लाभ हो सकता है। माहौल बनाने में तो बड़ी भूमिका हो ही सकती है, वो पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।